बहुत ही दिन है और फाइनल मुकाबला का मैदान है। धन्यवाद, साथ में हमारे गोपी शर्मा के मास्टर जी, हमारे बड़े भैया सकी चंदो जी वो भी आए, उनको भी माला पहना कर स्वागत करेंगे। मनोज मातो अगले साल जो मैच हुआ था उसमें एक मोटरसाइकिल गुम हो गया था, इसलिए अपना मोटरसाइकिल को अपना सुरक्षित रखे, क्योंकि इस मोटरसाइकिल की जिम्मेवारी इस मंच नहीं लगा हुई है, इसलिए अपना मोटरसाइकिल अगले बार एक आदमी को चोरी हो गया था। खेलेंगे
हमारे संरक्षक बड़े बसंत मिश्रा की तरफ से जो भी खिलाड़ी जितना गोल करेंगे उतना हजार रुपये का इनाम हमारे बड़े बड़े बसंत मिश्रा के तरफ से प्रदान किया जाएगा। रामपदो महतो जी की तरफ से केंद्रीय जन कमेटी पूर्व मोर्चा
डांट कौन? रामपाल महतो जी का तरफ से 2500 गोल नहीं होने को ठीक है। धन्यवाद।
सभी लोग। Thank you.
खेल का मतबंधर मौके देकर सम्मानित करेंगे मुकेश मातो आएंगे ताटी पंचायत के मुखिया जिको माला मौके देकर सम्मानित करेंगे। Hey!
मिलता। Oh!
धन्यवाद। अभी जो जिसमें गाड़ी हटी हटवारी की टीम 1-0 बढ़त बना चुकी है। काफी संघर्ष मुकाबला, काफी सुंदर खेल का प्रदर्शन करते हुए दोनों टीम ने काफी रोमांचक मुकाबला। मैदान में खटाखट भीड़, आज स्टूडियो को समिति की ओर से बहुत धन्यवाद। उसने आयोजन समिति को इतनी बड़ा सहयोग दिए हैं। विमल सिंह जी पधारे, कभी हमारे फुटबॉल अकादमी विभाग से सिन्हा प्रोटेस्टेंट थाना प्रभारी।
अभी तक जो मैच हम लोग देख रहे हैं जिसमें गाड़ी उतार की टीम 1-0 की बढ़त बना चुकी है। और एक बदलाव सत्र नंबर के तौर पर श्रीमती माधुरी देवी जी ने ऐतिहासिक टूर्नामेंट का आयोजन करके निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाने का अपना प्रयास करते हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रत्येक साल पूरा धन दौलत लगाकर और इस क्षेत्र के नौजवान साथी खेल के प्रति कैसे आगे बढ़ेगा बहुत ही मजबूत खाती है। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मैं अपना धन्यवाद और जोहार करता हूँ। सबको नमस्कार।
करता हूँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप लोग आइए मिलजुल कर हम लोग संकल्प लेंगे कि और आगे खेल खेले जाएंगे। सबको जोहार। एकेडमी के बारे में बताएं। अब बहुत ही देर से मजबूत जी का फरमाइश है हमारे हमारे सांसद श्री संजय सेठ जी का बारे में कुछ अपना विचार और कला का प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। इसलिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद मधुबन खान जी को हमारे सांसद जी के बारे में बहुत ही अच्छा अपना गाना प्रदर्शन किए। आज क्षेत्र ग्रामवासी फुटबॉल खेलते पीछे वाले को ठंडा ज्यादा लग रहा है पॉकेट में हाथ रख के बोले भारत माता की वंदे। आज इस फुटबॉल टूर्नामेंट में आयोजकर्ता पुन्ना महतो जी हमारी दीदी और हमारी जिला अध्यक्ष और इस टूर्नामेंट को पूरा आयोजन कराने में हमारी दीदी का बड़ा योगदान। माधुरी दीदी हम सबके बहुत लोकप्रिय और जन-जन के नेता हम सबके टोला मोहल्ला गांव हर जगह के विकास के लिए हमेशा सोचने वाले ऐसे रामपाल पहन जी हमारे बहुत पुराने 35 साल पुराने साथी और जिला अध्यक्ष है प्रदेश के नेता आदरणीय जयंत जी मंच पर बैठे सभी भैया बहन सामने बैठे जितने आदरणीय सज्जन मित्र आप सबको झारखंड जमा जमा चुहा सबसे पहले कर्तव्य भरवे में अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और ये गणतंत्र ये देश आगे बढ़े देश और मजबूत हो और आप देश मजबूत हुआ आज देश ऐसे मजबूत हुआ कि लोग पूरी दुनिया हथियार बेच रही है पूरी दुनिया हथियार से बेच कर अपने देश को मजबूत कर रही है। लेकिन हम सब भारत के लोग कोरोना के वैक्सीन को बेच कर देश को मजबूत कर करोड़ों को भी दूर भगा रहे और ऐसे 200 देश दुनिया के 200 देश भारत की सबसे सस्ती सबसे मजबूत कोरोना वैक्सीन को लाइन लगा के लेने के लिए खड़े हैं। ऐसा है हमारा भारत देश। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने आज से 9 साल पहले कहा था कि 2020 भारत का होगा 2020 भारत दुनिया का शिखर होगा। आज भारत ने दिखा दिया कि दुनिया का सबसे सस्ता वैक्सीन बनाकर दुनिया को वैक्सीन देने वाला जो देश है वो भारत है। तुम हथियार बेचो हथियार बेचकर तुम हिंसा फैलाओ अहिंसा के पुजारी हैं। हम करोड़ों को मिटाने के लिए हम वैक्सीन बांटेंगे। भाइयों तो बहनों आज देश मजबूत हो रहा है। आपको पता है देश के अंदर जो तेजस विमान भारत ने बनाए आज इसलिए वह कह रहे हैं क्या 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस है और इस गणतंत्र दिवस पर देश सेना मजबूत हो रही है देश मजबूत हो रहा है। भाई तो बहनों आप जब फुटबॉल का आनंद ले रहे फुटबॉल के आनंद लेने के साथ ठंड भी महसूस कर रहे लेकिन सीमा पर जो -50 डिग्री में जो सेना के भैया बहन कष्ट कर रहे उनको हम याद नहीं करें तो हमारे साथ ये झूठा हो जाएगा। हम देश में थे हम उस सीमा पे जो बर्फ के ऊपर जो ठंडा हमने इतिहास देखा होगा बर्फ 6-6 डिग्री 6-6 फुट का बर्फ जमा है। सेना के जवान दस लगाकर तिरंगा फहरा रहे हैं। हम यहीं से आपके माध्यम से उन सेनाओं को सैल्यूट
करते हुए इस गणतंत्र को मजबूत करते हुए मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि फुटबॉल ऐसा खेल है। और अभी आपने देखा होगा अखबारों में पढ़ा होगा कि 15 दिन पहले खेल मंत्री किरेन रिजिजू से मिलने हम दिल्ली गए थे। वहाँ हमने कहा कि आप फुटबॉल एकेडमी खोलिए, यहाँ हमारी बेटियाँ अच्छा फुटबॉल खेलती है, हमारे भैया अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी में हमने नाम कमाया, तीरंदाजी में हमने नाम कमाया। अगर फुटबॉल एकेडमी खोल दोगे तो हम राष्ट्रीय स्तर पे टीम बनाकर झारखंड की राष्ट्रीय स्तर पे टीम बना देंगे। और आज के इस पावन अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि सिल्ली के 16 हाथों की एक बेटी को, सिल्ली के 16 हाथों की एक बेटी सरदार को राष्ट्रीय पुरस्कार की अंतरालय में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 14 साल की बेटी से खुद फोन पर बात की। लेकिन हमारा ये सौभाग्य था कि आपके बीच में और माधुरी दीदी के आदेश पर हम और रामकुमार महान जी आपके बीच पहुँचे। चलिए आज हमको भी दिल्ली जाना है, अभी 29 तारीख संसद का सत्र है, लेकिन पूरे देश में विकास की गंगा बहेगी मित्रों, गंगा बहेगा विकास की। और आज फुटबॉल के मैच में जब यह जिस टीम में जीता हुई है दोनों टीमों को ये खेल भावना से लेना है। एक टीम हारेगी तो एक टीम जीतेगी, लेकिन जो जीती है उसको भी गुमान नहीं करना और जो टीम हारी है उसको भी निराश नहीं होना है। हम खेल भावना दोनों और दोनों टीम फुटबॉल खेल भावना से हम सब एक होकर भारत माँ की जयकारा लगाएंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड। 4 साल से सहयोग करते आ रहे हैं अपने लेफ्री खेल खिलाड़ी जो हमारे संजीव बड़े भैया संजीव कुलकर्णी वो भी आएंगे। संजीव कुलकर्णी हमारे बड़े जो नायक मंडली के लेफ्री महोदय संजीव को हमारे खेल के संरक्षक है राजू महतो, संरक्षक भी है रामू जी वो भी है। इनको इनको हमारे टाटी सिलवे के टाटी पंचायत के मुखिया श्रीमती किरण पहन आएंगे। फिरवा पूजा उनको सम्मानित कर हमारे महिलाओं के मुखिया श्रीमती सुलोचना देवी जी नहीं। इसके बाद बेस्ट स्ट्राइकर मैडम नंबर सुमित कुमार जर्सी नंबर 9 इनको मैडम सीरीज एलईडी जो है जी
इसके बाद कोई भी सदस्य है बिरसा मुंडा फुटबॉल क्लब का और इस खेल के उपजेता है जो उमंग एफ सी फुटबॉल क्लब खेलवा पहुंचा उमंग एफ सी फुटबॉल क्लब खेलवा पहुंचा इनको और इस जो फोर्थ चैलेंज कप 2021 बहुत ही खुशी की बात है। आप सभी बहुत ही सफल पूर्वक अपने खेल खेल का प्रदर्शन करके फर्स्ट प्राइज का अपना श्रीमती देवी जी महिलाओं के मुखिया सुजाता बीन जी साथ में ठाटी पंचायत के मुखिया किरण पान जी साथ में चंद्रा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य तुलसी देवी जी साथ में रेखा देवी जी सुषमा सभी आराम से जलेश्वर जी सुनील माधो जी रामसाई गुप्ता जी खेल के अध्यक्ष विक्रम माधो जी कोषाध्यक्ष जगदीश नायक जी